हाउ टू विन एवरी 1v1 और क्लोज रेंज बैटल। देखो गाइस इतना ज़्यादा इंटेंस मोमेंट था, फिर भी यहाँ पे मैंने उसका फुटस्टेप सुना और फिर से उसको स्टन कर दिया। अब देखो उसने मेरे को 1 SP कर दिया, लेकिन मैं कुत्ता हुआ जाके उसको यहाँ पे इजीली मार दिया। आपको यहाँ पे ब्रेन से काम लेना है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली पुश नहीं करना। आपको काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स वगैरह दिखाऊंगा, कोई ज्ञान नहीं पहलूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कैसे रश करना है, कैसे 1v1 लेना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे इग्लू के अंदर आ गया था, यहाँ पे एक बंदा चल रहा था, उसको यहाँ पे मैंने स्कोप ऑन करके मार दिया। सिंपल था ये, इजी 1v1 हो गया। अब इसके बाद एक और क्लिप आ रहा है, एक और क्लिप में क्या है, मैं यहाँ पे मस्त टीपी ले रहा हूँ, आगे बंदा लूट रहा था, इसको भी पेल दिया। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्लोज रेंज फाइट हो सके तब तक इग्नोर करो, लेकिन आपको लेना ही पड़े तो यहाँ पे स्टन 2 से 3 रखो, क्योंकि स्टन ना एक ऐसा हथियार हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे इजीली स्टन करके चला गया, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, कभी कभी ये ट्रॉफी हो सकता है। मेरे को सेकेंड फ्लोर में फुट आई थी, लेकिन मैं यहाँ पे चढ़ गया, मर गया। अब यहाँ पे देखो आर्मी, यहाँ पे ये बंदा गिर गया था, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ के राइट साइड की तरफ चले जाता हूँ। पूरा मैं यहाँ पे राइट साइड फ्लैंग मार लेता हूँ। मैं तो यहाँ पे उधर ही कैंप भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एक बंदे को इसको यहाँ पे फ्लैंग मार के नॉक भी कर देता हूँ, फिर ये घर में आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे जब ये रिवाइव वगैरह हो जाता है, मैं यहाँ पे फिर से जाके इसको नॉक कर देता हूँ, इसको पूरा डाल देता हूँ। इसको पूरा डालने के बाद इसका टीममेट भी आ जाता है, टीममेट को पता ही नहीं किधर से पड़ी, इसको भी यहाँ पे इजीली डाल देता हूँ। तो ऐसे करना है आपको, एक ही जगह में आपको यहाँ पे 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा स्टे करना ही नहीं है। देखो यहाँ पे एक और बंदा ऊपर आ गया, इसको भी यहाँ पे इजीली ले लिया। इसको लेने के चक्कर में, इसको फिनिश डालने के चक्कर में पीछे से एक और बंदा आ जाता, लेकिन वो चोक कर देता हूँ। मैं उसका चोक का यहाँ पे बदला ले लेता हूँ, इसको इजीली यहाँ पे पेल लेता हूँ। अब अगली क्लिप में यहाँ पे मैं गाड़ी चला लेता हूँ, यहाँ पे मेरे को फुट आ जाता घर से, तो मैं यहाँ पे जान बुझ के नहीं रुकता हूँ, यहाँ आके रुकता हूँ। तो वो मेरे को स्प्रे मारेगा, इसका स्प्रे थोड़ा बहुत यहाँ मिस हो जाता है, और मैं यहाँ पे उसको इजीली गिर के नॉक कर देता हूँ। इजी पीजी नॉक हो गया, एंड फिनिश भी जाके कर दूंगा। अब यहाँ पे ये इजी में गिरते हैं, यहाँ पे एक बंदा चढ़ जाता है, इसको तो इजीली हेड पड़ जाता है, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाता, क्योंकि ये राइट मोमेंट नहीं है फिनिश करने का। एक और बंदा आ जाता है, इसको यहाँ पे नॉक कर देता हूँ एंड फिनिश कर देता हूँ। आपको सोच समझ के करना है कौन सा को फिनिश करना है, फिनिश करने से करने मर जाते हैं। एंड देखो गाइस ये मेरा एकदम ओपी ट्रिक है, मर के गिरा मैं यहाँ पे इस टावर के ऊपर चढ़ गया। एंड इस टावर के ऊपर चढ़ गया ना, आई की यूज करके अपना इजीली किल कर सकते हो, लेकिन आपको ना एमओ भी देखना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सोच समझ के मार रहा था, क्योंकि लिमिटेड एमओ होता है, गिरने के बाद फिर आपको यहाँ पे 0 एमओ हो जाता है, उसमें में आपको यहाँ पे इग्लू पूरा क्लियर करना पड़ेगा। और आगे एक और बंदा था मेन इग्लू में, उसको भी नॉक कर देता हूँ एंड उसको यहाँ पे जाके इजीली उसका पेटी लूट लेता हूँ। तो ये सब देखेंगे गाइज, आप यहाँ पे ये सब ट्रिक्स वगैरह भी ट्राई कर सकते हो, इससे आप इजीली 1v1 इंप्रूव कर पाओगे। देखो मैं यहाँ पे मेन इग्लू में हमेशा स्मोक करके रख रहा हूँ, ताकि मेरे को यहाँ पे टावर से ना पड़े। अब यहाँ पे 2 बंदे चढ़ने की कोशिश करते, तो 2 बंदे को तो मैं फाइट नहीं ले सकता, तो थोड़ा टाइम बाय करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मोलोटोव कर लिया। तब तक मैं यहाँ पे सोचूंगा क्या करना है, गिर के वगैरह मारना है या नहीं, तब तक मेरा टीममेट यहाँ पे मेरे को बैकअप के लिए भी आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्टन पहले से कुक करके छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत जल्दी 2 स्टन जल्दी छोड़ दिया था, और यहाँ पे दोनों चढ़ गए मेरे ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्रॉस एयर में एक कोई नॉक कर पाया दोस्तों को, 1 HP छोड़ा। लाइक कर दो वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल पे नए हो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वी आर बिलिंग टू 5000 सब्सक्राइबर, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, वी आर साइनिंग आउट, पीस आउट।